हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों देखिए, दोस्तों कल से आपने न्यूज़ देखा होगा, कमेंट देखे होंगे हेड ऑफ एचआरडी के कि एक बार एक साल में तीन बार पेपर होगा, अगली बार 2022 में तीन बार होगा। उन सभी बातों पे देखिए कितना ये बात सच होगा वो तो समय बताएगा, और कितना नहीं होगा वो तो टाइम के अकॉर्डिंग हम सबके सामने होगा कि तीन बार होगा, दो बार होगा, क्योंकि पिछले साल तो एक बार भी नहीं हुआ और अभी नवंबर चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है कि देखिए अभी तक तो हम जीरो पॉसिबिलिटी मान के चल रहे थे, जीरो। क्यों? जब ये जो कल ये कमेंट्स वगैरह जो वायरल हैं हर सोशल साइट पे आपने देख भी लिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कितनी इस बात को सच माने, क्योंकि आपने ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से आए हैं सोर्सेज, ये सबने आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो जो कमेंट करने वाले हैं इनका इंपॉर्टेंट है रोल, इनका रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी पोस्ट जो शो करते हैं जब इनके हम प्रोफाइल देखते हैं, हेड एट एचआरडी सीएसआईआर नेट एंड डायरेक्टर एट सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि जो ऑलरेडी मेंशन हमने किया था कि एनटीए जो है वो बिजी है सीएसआईआर यूजीसी आर्ट के सब्जेक्ट के एग्जाम करवाने के लिए, तो जैसे ही वो हमें टाइम देगा, बिजी विद नेट राइट नाउ, इट कैन बी एश्योर दैट देयर विल बी नो लेटर देन जनवरी 2022। मतलब जनवरी 2020 पहले लेट, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, मतलब लेट बहुत हो चुका है, एक साल का लेट हो चुका है, इससे ज्यादा लेट और क्या ही होगा, ठीक है। देयर विल बी टू और मोर एडिशंस, मतलब एक से ज्यादा, मतलब जनवरी में भी एग्जाम होगा इसका, मतलब जून में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, मतलब तीन एग्जाम होंगे तुम्हारे 2022 के अंदर। मतलब वो नहीं है कि एक बार बिल्कुल खाली, तीन दिन तक रोटी नहीं दिया तुमको, मतलब तीन दिन तक तुमको रोटी नहीं दिया और फोर्थ डे तुमको बोल रहे हैं कि सात बार खा लो, एक ही बार में क्या कह रहे हैं, सात बार खा लो। अरे एक बात समझ में नहीं आ रहा साहब, जब ये मान लीजिए अभी आप कह रहे हो कि जनवरी में होगा, ठीक है, इनकी बात से हम ये मान सकते हैं कि 50% या 60% आप पॉजिटिव पॉइंट में सोच सकते हो, भाई जो हम जीरो पॉइंट जो जीरो परसेंट मान रहे थे कि एग्जाम नहीं हो रहा, भाई दिसंबर में नहीं हुआ, नवंबर लेके ऐसे करते करते, क्योंकि ये वाला जो नोटिस था ना ये अक्टूबर में आया था, आपको पता हो तो, जब आपके शार शेयर किया गया था ये 59 मिनट के बाद जैसे शेयर हुआ था 2000, अभी ये अक्टूबर के अंदर 13-14 अक्टूबर के आसपास ही आया था, जिसमें बोला था कि आपके एग्जाम अनाउंस कर दिया जाएगा डेट। अरे डेट अनाउंस मत कीजिए, आप कम से कम फॉर्म तो फिलअप करवा लीजिए, गेट के फॉर्म फिलअप हो गए, गेट कौन कंडक्ट करवाता है आप मुझको ये बताइए कि गेट का फॉर्म, मतलब गेट के जो फॉर्म है वो कौन निकालता है, एनटीए कंडक्ट करवाता होगा गेट भी, या कोई दूसरी मतलब एजेंसी है जो कि कंडक्ट करवाती है गेट का एग्जाम, ठीक है। तो गेट के एग्जाम के, गेट के फॉर्म निकल चुके हैं, गेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं, जितने ऑनलाइन फॉर्म, अरे कम से कम डेट मत दीजिए, आप बोल रहे हो जितना आप यहां लिख रहे हो यहां करवा रहे हो, आप एक बार इतना करके फॉर्म तो ओपन करवा सकते हो फॉर्म, ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ने लग जाए। अभी क्या है, जो ज्यादा सीरियस स्टूडेंट्स सिर्फ वही पढ़ता है, ठीक है, इस टाइम पे, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि एक साल से पेपर नहीं हुआ, जिसने जून के लिए तैयारी किया, अब जून के बाद उसने जैसे तैसे दिसंबर के लिए तैयारी किया, अब फिर उसको ये मिला कि नहीं हो रहा। देखिए कितने ट्वीट हो रहे हैं अगस्त से बाद, अक्टूबर नवंबर। अच्छा एक बात और भी है दोस्तों, बेस्ट लॉजिक रीजन इसके पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं है पता नहीं किसी को भी, ठीक है, बट कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फंडिंग प्रॉब्लम जो भी कुछ भी लग सकता है, मतलब ये हायर मिनिस्ट्री का जो है मामला है, तो इसमें देख एक आपने वो ऑडियो भी सुना होगा सोशल साइट के ऊपर, जिसके अंदर जो लोअर मतलब जो भी इम्प्लॉई है सीएसआईआर की कैटेगरी में, वो कह रहे हैं कि अब जब हम ऊपर से जब कोई ऑर्डर आएगा तभी हम क्या बता पाएंगे आगे, इससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते। तो अगर इस परसेंट को आप लेके चलते हो 50%, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि 50%, ठीक है। अब कोर्ट केस वाला भी सीन है, तो कोर्ट केस वाले में मुद्दा पता क्या होता है दोस्तों, आप अभी जो कोविड वाला सीन है ना ये बीच में फंस जाता है, यहाँ जो बॉडी है मतलब जो एग्जाम करवाने वाले हैं उन पे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता कि आप एग्जाम नहीं करवा रहे, क्योंकि यहाँ हवाला दे दिया जाता है कोविड का, और बेसिकली आपको भी पता है कि कोविड नाम का कोई ऐसा मामला अभी है नहीं, क्योंकि जब छोटे बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, जो कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जैसे जेई नीट के, इनके एग्जाम चल ही रहे हैं, आपको पता ही है बार बार हो ही रहे हैं, बट आप जो सीएसआईआर नेट की कैटेगरी के, आप तो मास्टर्स किए हैं, आप थोड़े बड़े भी हैं, ठीक है, मैच्योर भी हैं उनसे ज़्यादा, आप ज़्यादा मतलब प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं, अपने आप को सेफ्टी ज़्यादा रख सकते हैं, आपका नहीं होगा, आपको कोरोना हो सकता है, मुन्ना आपको क्या हो सकता है, कोरोना हो सकता है, वो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं होगा, ठीक है, छोटे बच्चों को नहीं होगा। तो भाई थोड़ा सा देखिए, कोरोना का सीन तो है भाई, एकदम नकारा नहीं जा सकता, पर एक ही एग्जाम में कैसे फंसा हुआ है ये सीएसआईआर नेट के एग्जाम में, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा आप, मैं कहता हूँ 50% लेके चलिए, 60% लेके चलिए, बट मेरा एक मानना है, मैंने पहले भी आपको बताया भाई, आंख बंद करके ये नहीं बोल दिया जाएगा कि 100% हाँ भाई हो जाएगा, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, अपने लिए बढ़िया बात है, सबके लिए बढ़िया बात है, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं एक साल से लगे हुए हैं, कोई एक सेचुरेशन पॉइंट भी होता है, बट गेट को मिस ना करें,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेट आप क्वालिफाई करोगे, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नेट के गेट के लिए तैयारी कर लिया ना, नेट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कौन क्या बोल रहा है, कब होगा कब नहीं होगा, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप भी अपने कॉमेंट्स लिख सकते हो, और अब थोड़ा सा एक उम्मीद है जो कि जगह है, बट पॉजिटिव रहने की जरूरत है आप सभी को भी। सभी को क्या रहना है दोस्तों, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मतलब अब थोड़ा सा हम ये बोल रहे हैं कि ट्रैक पे आ रहा है, भाई देखो खुशी तो इतना ही उसी दिन हुआ था जितना तुमको ये देख के हो रहा है ना, इतना ही खुशी किस दिन हुआ था जब क्या था 13 अक्टूबर के आसपास की डेट थी, उस दिन सेम खुशी यही खुशी था सबके चेहरे पे कि बस अब इन्होंने बोल दिया है अक्टूबर के लास्ट तक ये क्या कर देंगे, डेट निकाल देंगे, नवंबर दिसंबर में तो एग्जाम होगा ही होगा। इसको लेकर मैंने खुद आपके साथ शेयर किया था और मैंने बोला था कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि दिसंबर के एग्जाम अंदर हो जाएगा। अब भाई इसको सोच के थोड़ा सा खुश होंगे और कल को फिर थोड़ा सा कोविड बढ़ जाता है तो फिर वही बात है। तो दोस्तों एक बात और बता दिया जाए कि जो एग्जाम्स मान लीजिए ये कंडक्ट करवा रही है एनटीए बिजी है, उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है, बट ये थोड़ा ना है कि आप फॉर्म ही नहीं निकाल सकते। आप डेट मत दीजिए, एग्जैक्ट डेट भाई हम नहीं दे सकते, हमारे सेंटर भी बिजी है। आप कम से कम बच्चों के फॉर्म तो भरवा सकते हो, गेट के जैसे फॉर्म भर गए वहां उन्होंने टेंटेटिव डेट लिख दिया कि डेट ये चेंज हो सकता है, ठीक है, बट आप डेट तो दे दीजिए कम से कम। आप फॉर्म ओपन करवा दीजिए, पोर्टल ओपन करवा दीजिए, उसको 10 दिन फालतू ओपन रख लीजिए। मतलब टाइम पीरियड को लंबा खींचना है, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए ताकि एक स्टूडेंट्स भी अपनी लाइन में चलता रहे, ऐसे मतलब आंख बंद करके तो ना चले ना कम से कम, ठीक है भाई। कोई कमेंट कोई आता है एक ट्वीट कर देता है कि आपका डेट अनाउंस किया जाएगा, और कोई आपको थोड़ा सा कमेंट में ऐसे बोल देता है कि जी एक नहीं तीन तीन होंगे तुम्हारे, तो बढ़िया है जी। तीन को तो एक बार, आगे की तो बाद में देखेंगे सर, आगे तो क्या किसको पता चला है, आगे दिसंबर जून तो बहुत दूर है। एक बार आप एक इस बार जून वाला पहले ये करवा दीजिए, जनवरी वाला साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई कितना क्या आपको क्या लगता है कि कितना का पॉजिटिव वे में लें इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि पहले भी यहाँ भी देखो CSIR HRD जहाँ नाम आता है वहाँ एक बार कान खड़े हो जाते हैं, बट उसके बाद रिजल्ट तो भाई वही रह रहा है अभी तक। तो वो बात है कि वो जो आपने छोटी क्लास में वो सुना था ना कि कुछ ऐसा था कि वो झूठ बोल बोल कर बुलाता था कि गडरिया आ गया है जल्दी से आ जाओ मुझे कोई बचा लो, जब जाते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था। तो एक दिन सीन सच में आ गया, तो क्या पता वो भी हो सकता है कि रियल में ही आपको तीन बार देखने को मिले, हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटी सब चीज़ की है, नकारा नहीं जा सकता, बट गेट जो आपके सामने है उसकी तैयारी कीजिए और नेट की तैयारी होती रहेगी। जब एक बार तुम भूल जाओगे ना सब, तब अपने आप तुम्हारे सामने निकल के आएगा। बट ऐसा मेरे को 100% नहीं लग रहा, आपका भी अपना अपना विचार हो सकता है कि 100% ये बात सच होगा, ऐसा मैं तो नहीं कह रहा कि 100% ऐसा होगा, ठीक है। हाँ 50-60% मैं इसके साथ जा सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि वो भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो पोस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बिलीव कर रहे हैं कि हाँ भाई इतने बड़ी पोस्ट पे हैं और इतने जो महान आदमी है तो कुछ बोल रहे होंगे, तो कुछ सही बोला होगा, कुछ इनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। और बाकी आप गेट के लिए फोकस रहिए, तैयारी कीजिए, गेट को टारगेट कीजिए, गेट आपका रैंक आएगा तो नेट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ये आपको पता है।